सुप्रभातम प्रिय छात्रों, मैं कृत्यानंद झा आज आप लोगों को संस्कृत व्याकरण में चित्र वर्णन पढ़ाएंगे। सबसे पहले चित्र वर्ण में देखना रहता है, जैसे पांच लकार हम लोग पढ़ते हैं तो सबको भूल जाइए, एक लकार पहला लट लकार प्रेजेंट टेंस याद रखिए, ठीक। उसके बाद प्रेजेंट टेंस में होता है वर्तमान, प्रेजेंट टेंस में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तो मध्यम और उत्तम को भूल जाइए, सिर्फ याद रखिए प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में एक वचन में होता है ती, द्वि वचन में होता है तब, और बहुवचन में होता है अंतिम। ती तब अंतिम, एक वचन ती, द्वि वचन तह, बहुवचन अंतिम। और यह जो ती तह अंतिम है यह क्रिया के लास्ट में लगाते हैं। अब आते हैं चित्र में। चित्र में क्या है कि मंजूषा में शब्द दिया हुआ है, आपको हेल्प के लिए हर चित्र में जो भी चीज है उसका संस्कृत दिया हुआ है, तो हेल्प मिल गया। अब चित्र में देखना है क्या क्या है और कितना कितना है, क्या क्या है और कितना कितना है। अगर एक है तो उसके लास्ट में ती लगाएंगे, दो है तो उसके लास्ट में तह लगाएंगे, अगर बहुत सारा है तो उसके लास्ट में अंति लगाते हैं, इसी तरह ती तह अंति का प्रयोग करते हैं। अब देखिए चित्र में, प्रायोगिक चित्र में देखिए कि एक जंगल है, वृक्ष है, बहुत सारे भालू है, हाथी है, बंदर है, पक्षी है, उसी का वर्णन है। और मंजूषा ने किया हुआ वनस्य, हम लोग दे दिए अस्मिन चित्रे वनस्य वर्णिता अस्ति, इस चित्र में वन के वर्णन है, इस चित्र में किसका वर्णन है, वन के। अब है कि इसमें क्या क्या है और कितना कितना देखना है, तो वृक्षस्य उपरि देखते हैं चित्र में, तो वृक्षस्य उपरि वृक्ष के ऊपर खगाल सन्ति एक पेड़ है और उसके ऊपर पक्षियां सब बैठा हुआ है, तो वही हो गया वृक्षस्य उपरि खगाल सन्ति। अब है वृक्ष है उसके नीचे भालू बैठा हुआ है, तो वृक्षस्य अधः, अधः माने नीचे, वृक्षस्य अधः भल्लुकः अस्ति, वृक्षस्य अधः भल्लुकः अस्ति, वृक्ष के नीचे भालू है। अब है भालू के कंधा पे बंदर बैठा हुआ है, चित्र में देखिए तो आपको दिखाई देगा कि भालू के कंधा पे कौन बैठा हुआ है, बंदर। भल्लुकः अस्कन्धो परि वानरः अस्ति, भालू के कंधा पर वानर है। अब देखिए सभी खुश हैं, हंस रहे हैं, तो सर्वे प्रसन्नाः सन्ति, सर्वे प्रसन्नाः सन्ति। फिर से एक बार देखेंगे अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में वनस्य वर्णितम् अस्ति, वन के वर्णन है। वृक्षस्य उपरि वृक्ष के ऊपर खगाः सन्ति चिड़िया है, वृक्षस्य अधः वृक्ष के नीचे भल्लुकः अस्ति भालू है, भल्लुकः अस्कन्धस्य उपरि बानरः अस्ति भालू के कंधे पे बंदर है, सर्वे प्रसन्नाः सन्ति सभी खुश है। अब दूसरा चित्र हम लोग देखेंगे, इसमें क्या है कि एक कोई पार्क है, वहाँ घूमने उमने का काम हो रहा है, कोई घूम रहा, कोई खेल रहा, कोई बैठ के कुछ पढ़ रहा, तो उसी का चित्र है। तो देखेंगे इसमें कि अस्मिन् चित्रे बालकः बालिका च भ्रमतः, इस चित्र में है कि बालक और बालिका घूम रहा है। चित्रे अनेकानि भवनानि सन्ति, चित्र में देखिए कि बहुत सारे भवन है, तो चित्र में अनेक भवन है। सज्जन पुरुष वार्ता पत्रम पठति, एक सज्जन पुरुष है जो पेपर पढ़ रहे हैं, वही है वार्ता पत्रम पठति। चित्रे अनेकानि पुष्पाणि सन्ति, चित्र में बहुत सारे फूल भी है, तो हो गया चित्रे अनेकानि पुष्पाणि सन्ति।
अनेकानि पुष्पानि बहुवचन है, इसलिए क्रिया में संधि है। एक रहता तो अस्थि, दो रहता तो संधि। युवानो भ्रमता, यहाँ युवानो दो युवा को कहा गया है, द्विवचन है इसलिए भ्रमता हो गया। यहाँ देखिए सज्जन पुरुष कितने हैं, एक, एक वचन है इसलिए त्रि लग गया। कहने का अर्थ है कि चित्र में देखना है कि क्या क्या है और कितना कितना है। एक है तो उसकी क्रिया में त्रि लगाएंगे, दो है तो उसकी क्रिया में त लगाएंगे, बहुत सारा है तो क्रिया में अंति लगाएंगे। पांच सेंटेंस ही बनाना रहता है, वो भी मंजूषा के हेल्प से। धन्यवाद। अब बच्चों आगे हम लोग पढ़ेंगे इस चित्र में। अब आगे इस चित्र में क्या है कि कुछ बच्चे नाश्ता कर रहे हैं, यह नाश्ता का समय है, तो वही है कि अस्मिन् चित्रे सर्वे प्रातराशं कुर्वन्ति। प्रातराशं का अर्थ है सुबह का नाश्ता करते हैं। सर्वे आसन्दिकायां तिष्ठन्ति, सभी लोग जो है कुर्सी पर बैठे हुए हैं। यहाँ सर्वे है इसलिए तिष्ठन्ति का प्रयोग किया गया है। फिर है यहाँ सर्वे प्रसन्ना सन्ति, सभी खुश हैं। चषके दुग्धम अस्ति, ग्लास में दूध है। अब है चित्रे एका कुकुरः अस्ति, चित्र में एक कुत्ता है, तो चित्रे एका कुकुरः अस्ति। फिर से देखेंगे कि देखिए एक माता पिता, माँ परस गई है, पिता और दो बच्चे बैठ के खा रहे हैं और नीचे एक कुत्ता है, तो है अस्मिन् चित्रे सर्वे प्रातराशं कुर्वन्ति, सर्वे आसन्दिकायां तिष्ठन्ति, सर्वे प्रसन्नाः सन्ति, चषके दुग्धम् अस्ति, चित्रे एकः कुक्कुरः अस्ति, चित्र में एक कुत्ता है। अब है अस्मिन् चित्रे, दूसरा है कि एक बस स्थान है जहाँ बहुत सारे बस लगे हुए हैं, कुछ लोग रास्ता चल रहे हैं, कुछ घूम भी रहे हैं, कुछ रस पी रहे हैं, कुछ लोग बस पे चढ़ने के लिए आ रहे हैं, कुछ लोग लाइन में लगे हुए हैं, तो उसी पे है अस्मिन् चित्रे बस स्थानम वर्णितम अस्ति, इस चित्र में बस स्थान की वर्णन है। सर्वे पंक्ति बद्ध्वा सन्ति, सभी लोग पंक्तिबद्ध हैं, सभी लोग पंक्ति में है, लाइन में है, रो में है। चित्रे एक बस यानम अस्ति, चित्र में देखिए कि एक बस लगा हुआ है। बालः जनकेन सह आगच्छति, बच्चे जो है पिता के साथ आ रहे हैं। बालः रसम पिबन्ति, और दूसरे बच्चे एक हैं जो रस पी रहे हैं, फल का रस पी रहे हैं। फिर से देखेंगे अस्मिन् चित्रे बस स्थानम वर्णितम अस्ति, इस चित्र में बस स्थान का वर्णन है। सर्वे पंक्तिबद्धा सन्ति, सभी लोग पंक्तिबद्ध हैं। चित्रे एकः बस यानम अस्ति, चित्र में एक बस यान है। बालः जनकेन सह आगच्छति, बच्चे पिता के साथ आ रहे हैं। बालः रसं पिबन्ति, और बच्चे रस पीते हैं। इसी तरह बच्चों धन्यवाद, आगे आप अभ्यास करेंगे।